हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उससे पहले हमने चेस्ट पेन कंप्लीट कर लिया है, चेस्ट पेन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लिया है, तो हमें हेल्प हो जाएगा एंजाइना पेक्टोरिस को डिफरेंशिएट करने में अलग और अदर डिजीज से जो हमने चेस्ट पेन में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप पहले जाके देख लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि ये जो हम कार्डियोवैस्कुलर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करें। पहले हम लोगों ने फिजियोलॉजी सारी कर ली है, कार्डियक आउटपुट से लेकर के ECG कंप्लीट पढ़ ली हम लोगों ने, और रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होती है वो पढ़ लिया, हार्ट रेट, स्ट्रोक, वॉल्यूम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंट्रो सब कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम डिजीज पे आए जिसमें हमने पहले चेस्ट पेन किया है। अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं वो है एंजाइना पेक्टोरिस। पहले एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, ये हो है एक क्लिनिकल सिंड्रोम जो क्या करता है, डिस्कम्फर्ट एबनॉर्मल रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, यानी कि स्टर्नम के बिहाइंड चेस्ट पेन करता है ये। ठीक है, क्यों, अगर इम्प्योर या रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो, कोरोनरी का मतलब आप समझ रहे हो, जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर ब्लड वेसल्स कम हो जाए, ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है वो कम हो जाए या इम्प्योर हो जाए, तो ये एबनॉर्मल चेस्ट पेन होता है स्टर्नम के पीछे। ठीक है, तो इसका जो पेन होता है उसके कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता होना, उसमें साइट, कैरेक्टर, रेडिएशंस और अदर पार्ट्स आ रहे थे, ड्यूरेशंस और ऑल। तो साइट की बात करें तो अभी हमने पढ़ा रेट्रोस्टर्नल है, पीछे स्टर्नम के पीछे हैवीनेस से सेंसेशन आ रही थी। कैरेक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कुछ स्क्वीज़ कर रहा है, कोई इसे स्क्वीज़ कर रहा है, दबा रहा है, या फिर ऐसा लगता है चेस्ट पर बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर रखा हुआ है जिससे वो सांस सही से नहीं ले पा रहा है, ऐसा लग रहा है चोकिंग आ रहा है जैसे कोई, मतलब सांस रुक रही है उसकी। ठीक है, एकिंग पेन होता है मगर उतना शार्प पेन नहीं हो रहा है। ठीक है, पेशेंट ऐसा भी कंप्लेन कर सकता है कि बहुत डिस्कम्फर्ट हो रही है उसको, पेन के बजाय ऐसा भी कह सकता है कि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिंपल डिस्कम्फर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, और टिपिकली जो पेन जो पेशेंट होता है ना वो गेस्चर्स यूज़ कर रहा होता है, यानी कि एक्शंस बना रहा होता है, वो अपने हाथों को जो है ना, या तो अपने हाथों को जो है ओपन रख करके अपने चेस्ट पे रखता है और बोलता है मेरी चेस्ट पे बहुत पेन हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है वो हाथों को क्लेंच्ड कर सकता है, क्लेंच्ड फुट को, क्लेंच्ड थम्स को अपने हाथों पे रखेगा और ऐसे जेस्चर बनाएगा कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, क्लेंच फिस्ट, और ऐसा बोलेगा जैसे इस्टेमिक पेन हो रहा है। ठीक है, जो पेन होता है वो रेडिएट करता है, रेडिएट कहाँ तक करता है, कॉमनली जो पेन होता है वो रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में। मान लेते हैं जो चेस्ट पेन है ये रेडिएट कर रहा होता है लेफ्ट आर्म में, ये लेफ्ट साइड होती है या राइट साइड होती है। ठीक है, तो इसका जो पेन होता है वो लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रहा होता है कॉमनली, और कभी कभी राइट आर्म में भी कर सकता है। ठीक है, और जो पेन है वो कहाँ, थ्रोट तक जा रहा होता है, गले तक, नेक तक जा रहा होता है। ठीक है, और जॉ, चिन तक जा रहा होता है पेन। ठीक है, बैक, पीछे भी जाता है, ये बैक साइड को दिखा रखा है, पीछे भी पेन जाता है, कहाँ पे, इंटरस्कैपुलर रीजन में भी पेन हो सकता है। ठीक है, ऑसिपिटल पेन भी हो सकता है। तो ये पेन कहाँ कहाँ रेडिएट हो रहा है ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पेन का जो ड्यूरेशन होता है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5 मिनट तक का होता है, अगर कोई एक्सर्शनल, यानी कि आपने कोई हैवी वर्क किया उसके बाद अगर आपको एंजाइना का पेन हो रहा है तो उसका जो पेन है 1 से 5 मिनट तक रहता है। ठीक है, अगर इमोशनल कंडीशन, इमोशनल रीजन की वजह से हो रहा है पेन तो 5 से 15 मिनट तक रहता है। ठीक है, और कभी कभी फ्यू सेकंड्स तक भी रहता है, और अगर जो पेन है वो कुछ ही सेकंड के लिए रह रहा है तो आप इसे मान के चलिए कि वो एंजाइना का या इस्टेमिक पेन नहीं है। ठीक है, और जो MI का जो पेन होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो हमने पढ़ा था, हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो 20 मिनट से ज़्यादा का होता है, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो ये भी एक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, ये सारे कॉजेज में ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो किन वजह से ये पेन हो सकता है, हो सकता है आपने बहुत कोई एक्जर्शन हैवी वर्क किया हो, या फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो उसके वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो उसकी वजह से, या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो भी आप ये एक्जर्शन कर रहे हो एक तरीके से, या कोल्ड एक्सपोजर, जो भी हमने बताया था सडन कोल्ड एक्सपोजर होता है तो क्या होती है, वेसल्स जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड सप्लाई जो वेसल्स की, कहा ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर कोल्ड एक्सपोजर होता है तो वेसल्स क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी पेन एंजाइना का हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये सारे कंडीशंस प्रेजेंट है तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या, अगर आप टोबैको यूज़ कर रहे हो, ठीक है,
और बीपी आपकी हाई रहती है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस लेते हो, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप ओबीज हो, मोटे हो और आप एक्सरसाइज कम करते हो, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे ना। अब हमने रिस्क फैक्टर्स पता कर लिए तो हमें पैथोफिजियोलॉजी आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा है। ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, क्या मतलब कि आर्टरीज जो हैं इनमें प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से आर्टरीज जो थी वो हार्ड हो जाती। तो अगर प्लैक फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल आर्टरी थी, ठीक है, ये ल्यूमेन देखा अब खाली है, तो आराम से ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन अभी यह क्या प्लैक फॉर्म हो गया, तो अब जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तो ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इश्चीमिया होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो इश्चीमिया होगा, इश्चीमिया के बाद हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो पुअर परफ्यूजन होगा ब्लड का जो मायोकार्डियम जो सेल्स थी उनमें ब्लड सही से पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइना का पेन हो रहा होता है। ठीक है, वो इस यही हम आर्टेरियल स्पाज़म की वजह से भी सेम ये प्रोसीजर हो रहा है, और आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी। ठीक है, अगर प्लाक स्प्लिट हो जाए या फिर कोई थ्रोम्बस आकर वहाँ आ जाए तो अफेक्ट कर जाए, तो भी सेम यही प्रॉब्लम होगा, ऑक्लूजन होगा, इश्चीमिया होगा। ठीक है, वहाँ पे फिर उसके बाद हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वर्कलोड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो एंजाइना का पेन होगा। ठीक है, ड्यूरिंग अटैक ये भी हमें देखने को मिलता है, अटैक के टाइम पे हमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है ईसीजी में। एसटी सेगमेंट हमें पता है, ये हमने अगर ईसीजी पढ़ाया पहले तो ये आसानी होगी समझने में। ठीक है, और अगर आपको ईसीजी कंप्लीट समझनी है तो वो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप उसे चेकआउट करें, उसमें आपको ईसीजी स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू फाइनल बताया हुआ है। ठीक है, ये है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्यू, ये आर, ये एस, फिर ये टी वेव आती है, तो ये जो एस टी है ना, एस टी सेगमेंट, ये टी यहाँ तक आता है, एस टी सेगमेंट ये होती है। ठीक है, इसका अगर डिप्रेशन हो जाए, ये देख रहे हो आप डिप्रेशन, तो आपको ई सी जी में ये साइन आपको देखने को मिल सकता है। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो सही से परफ्यूज़ पहुँच नहीं पा रही लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कार्डिक एंजाइम्स जो हैं वो कुछ भी एलिवेट नहीं हुई है। नॉर्मली अगर हार्ट की जो डिजीज़ होती है तो कार्डिक एंजाइम्स बढ़ते हैं, तो इसमें कार्डिक एंजाइम्स भी नहीं बढ़ी, और एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। अब अगर हम टाइप्स देखें किस तरह की होती हैं एंजाइना पेक्टोरिस, तो सबसे पहला होता है स्टेबल, अनस्टेबल, पहला होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, तीसरा पोस्ट इन्फार्क्शन, फोर्थ प्रिंस माल और प्रिंस मेटल, और फिफ्थ होता है नॉक्टर्न। तो पहला अगर हम बात करें स्टेबल की, तो स्टेबल को टिपिकल भी कह रहे, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, इस तरह का एंजाइना पेक्टोरिस सबसे कॉमन होता है। इसमें जो पेन होता है वो ट्रिगर हो रहा होता है, कोई भी अगर आपने फिज़िकल एक्टिविटी की, ठीक है, हैवी मील, ज़्यादा आप कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खा लिया बहुत, ठीक है, शादियों में ज़्यादा आपको सीज़न ये देखने को मिलता है, और ये आपको आपने बहुत कोई स्ट्रेस ले लिया, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो कोल्ड वेदर में और स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, स्मोकिंग भी आपको पता है वीजो कंस्ट्रिक्शन ही प्रोड्यूस करती है, आर्टरीज का जो होता है वो वे उनको कंस्ट्रक्ट कर देती है, उनको ल्यूमेन को जो होता है वो नैरो कर देती, छोटा कर देती, तो वो भी कॉज हो सकता है। लेकिन इनको रिलीफ कैसे मिल जाता है, रेस्ट से, नाइट्रेट्स से, आराम करेंगे और नाइट्रेट्स लेंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। नाइट्रेट्स क्या होती है, नाइट्रेट्स जो कंपाउंड होती है ये ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड और ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो बढ़ा देती है हार्ट को, तो इससे जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर होने लग जाता है और बढ़ जाता है। तो ये नाइट्रेट्स लेंगे तो भी इनको आराम मिल जाएगा, और रेस्ट करेंगे तो भी इनको आराम मिल जाएगा। तो ये है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट जो